सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सचेंज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो एक्सचेंज करंट डेंसिटी होता क्या है? दरअसल एक पैरामीटर है जिसका यूज़ जो है बटलर वोल्मर इक्वेशन, टेफल इक्वेशन जैसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स इक्वेशन में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स क्या है? जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रिएक्शन होता है ना, जो हम पढ़ते आए हैं, उसके रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए जो इक्वेशन दिया गया हुआ है, उसमें करंट फ्लो कितना होता है, तो उस चीज़ को जानने के लिए जो है ये इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसी में ये एक तरह से पैरामीटर होता है जो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड के स्थान पर मेटल यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है देता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन देता है, सीधा सीधा कह सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जो है सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन कैसा होगा? जैसे मेटल है वो एन इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा, एम एन प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अगर मान के चलो ऑक्सीडाइज स्थिति में ही है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरह का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये जनरली किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। और जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो निम्न स्टेप में होता है। ठीक है, किस किस स्टेप में ये जो रिएक्शन होता है वो होता है? सबसे पहले होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट अराउंड द इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या आ जाएगा, नज़दीक में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, जिसको रिएक्शन करना है। एडजॉर्ब ऑफ रिएक्टेंट टू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के सतह पे क्या होगा, ये अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड के सतह में अवशोषित हो जाएगा। वहीं पे क्या होगा, थर्ड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम और टू द इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब, या तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सॉल्यूशन की तरफ होगा, या फिर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। दोनों ही कंडीशन हो सकता है, है ना। उसके बाद में होता है डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, मतलब जो एडजॉर्ब थे वो क्या हो जाएंगे, डिजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उससे अलग होने लगेंगे। अलग होने के बाद में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ये क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया, जनरल सा प्रोसीजर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्ट में जब क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट या फिर रिएक्टेंट के कॉन्टेक्ट में आता है, तब स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। कुछ विशेष टेम्परेचर अगर वहाँ पे दिया जाए तो वहाँ पे क्या मिलता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और रिएक्शन प्रोसीड होने लगता है। तो जनरली इन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही होता है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही होगा। अब वो एक्सचेंज जब होगा तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये कह सकते हो करंट का एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज करंट डेंसिटी को इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन एक साथ चल रहा हो, उस कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉर्मूला हमने बनाया है, कैथोडिक रिएक्शन या एनोडिक रिएक्शन दोनों क्या होगा, उस कंडीशन में बराबर होगा। उसी कंडीशन में आप कह सकते हो कैथोडिक करंट डेंसिटी और एनोडिक करंट डेंसिटी भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। जितना भी होगा, एक दो तीन चार पाँच छः जो भी होगा, माइनस वन माइनस टू जो भी होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, एक बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम आईसी से, कैथोडिक है इसलिए आईसी से डिनोट करते हैं, इसको एनोडिक है इसलिए आईए से डिनोट करते हैं। और करंट डेंसिटी क्या होगा, आई नॉट, मतलब दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम नोट से शो कर दिए। तो आई नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा, आईसी इजिकल टू आईए। ठीक है, कैथोडिक करंट डेंसिटी और एनोडिक करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में करंट डेंसिटी को ही एक्सचेंज करंट डेंसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड मैंने दिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला है, उसका करंट डेंसिटी जो है कुछ इस तरह से, जैसे पैलेडियम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, पैलेडियम इलेक्ट्रोड जैसे यूज़ करते हैं, कौन सा, फेरस अफेरिक आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसका करंट डेंसिटी कितना आता है, इतना लगभग आता है। ठीक है, तो ये हो गया करंट डेंसिटी। जब हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी होता है, ये नॉन पोलराइजेबल होता है, एक सेकेंड में। जब हाई करंट डेंसिटी आता है, जैसे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा,
उस समय आप ये समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो नॉन पोलराइजेबल होगा, ठीक है। जैसे H2 में यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है, देख रहे हो निकल के केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन पोलराइजेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। अगर वहीं पे लो करंट डेंसिटी आ रहा है, मतलब यहाँ तो क्या है, सब पोलराइजेबल वाला है, ये वाला देखो यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है, 3.0, यहाँ पे क्या होगा, ये पोलराइजेबल होगा और ये मूव स्लोली, मतलब यहाँ पे जो चार्ज का मूव होगा वो क्या होगा, स्लोली होगा, ठीक है। तो इस चैनल में, इस वीडियो में इतना ही। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।